हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आरोजन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताएंगे, ये हमारे पास एक्वा गार्ड का यूवी है, इनहेंस मॉडल। इसकी जो है पीसीबी में दिक्कत आ रही है, और हम आपको बताएंगे कि इसमें किस तरीके से जो अलग वायरिंग करें ताकि ये मशीन आगे से दिक्कत ना करे और कंटिन्यू चलती रहे। और इसमें हम आपको LED भी लगा के दिखाएंगे कि प्रोसेसिंग लाइट भी जो दिखेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके जो है चार नट लगे हुए हैं, दो इधर हैं और जो है आपके दो इधर हैं। तो हमें स्क्रू ड्राइवर की मदद से इन नटों को जो है ओपन करना है। आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इसके जो है ये जो कैप ढक्कन है ये बाहर की साइड आ गए हैं। अब हमें इन्हें जो है ऊपर को इस तरीके से उठा के और ये बाहर आ जाएंगे इस तरीके से। इसी तरीके से ये भी आपका बाहर आ जाएगा। और हमें क्या करना है, इसकी जो है वायरिंग चेंज करनी है। वो हम कैसे करेंगे, तो इसकी जो पीसीबी है उसको हम बाहर निकाल लेंगे। कि जो मेन पीसीबी है ये इस तरीके से जो है आपकी बाहर आ जाएगी। और ये इसके LED बल्ब हैं, आप देख सकते हैं ये। और जो है हम सारे कनेक्टर रिमूव कर देंगे। इस तरीके से। और अब हम जो इसमें वायरिंग करेंगे वो अपने हिसाब से करेंगे। ये बायोट्रॉन वाला जो है पाइप भी हम हटा देंगे यहाँ से, जो मैग्नेट फील्ड बनाता है ताकि जो आयरन के कण हैं वो पाइप में यहीं पर रुक जाएं। और इस तरीके से जो है दोस्तों आपकी ये पीसीबी हमने निकाल दी है, ये पूरी भी पीसीबी इसमें लगी हुई। अब इसमें हम अपना SMPS लगाएंगे, अपनी लोकल वायरिंग करेंगे। तो दोस्तों, जो हमारा SMPS सप्लाई है उसकी जो आउटपुट है वो 24 वोल्ट है। और हमारी मशीन में जो पुरानी SV लगी हुई है, आप देख सकते हैं ये वाली जो SV है ये 12 वोल्ट की है। तो हमें इस SV को जो है हटा के और यहाँ पे 24 वोल्ट की SV लगानी होगी, ये वाली। तो हम इस वाली SV को लगाएंगे यहाँ पे, इस SV को इस तरीके से बहुत ही आसानी से जो है कनेक्टर निकाल के। और इस SV की पानी को मारते हुए और ये जो है आपकी आउटपुट हो गई। इस तरीके से जो है SV भी लग गई है। अब हमें करने हैं इसके वायरिंग कनेक्शन। तो दोस्तों, जो इसकी पुरानी वाली जो सप्लाई है उसमें से हमको ये सप्लाई वाले कनेक्टर खोलने हैं, जो कि साथ में कंबाइन है और इनकी हमें बहुत जरूरत पड़ेगी। तो हमने ये जो है कट कर लिया है। अब ये जो दो वायर हैं ये आपके SMPS से जॉइंट हो जाएंगे, और जो इसकी लीड लगी हुई है पहले से उसमें आपका ये इस तरीके से, और ये जो दो वायर हैं ये आपके काम आएंगे SMPS की सप्लाई में। और ये दूसरा कनेक्टर जो है आपका फ्लोट वेट सेंसर के जो है काम आया है, और मशीन ऑटोमेटिक जो बंद होगी वो इस वजह से होगी। अब हमें इसमें SMPS की सप्लाई करेंगे आगे। इस तरीके से इस वायर को जो है कट कर लेंगे और वायर को विद द हेल्प ऑफ वायर कटर।
ब्लैक से ब्लैक और इसमें रेड की जगह ब्लू वायर दिया है, तो ब्लर तो नहीं हो रही ना। हम इसमें ब्लैक की जगह रेड की जगह ब्लू लगा देंगे। अब इसमें हम थंबल लगाएंगे, इसकी कवर करने के लिए हम टेप से बढ़िया ये थंबल लगा सकते हैं, देखिए इस तरीके से। और टेप क्या होती है, भीगने के बाद टेप ख़राब हो जाती है। ये कैप वाटरप्रूफ है और यहाँ पानी भी नहीं जाएगा इनके अंदर, मतलब बहुत ही अच्छी है ये। अब हम इसे जो है हमने SMPS इसमें फिक्स कर दिया है, और SMPS की जो इनपुट वायरिंग है वो पूरी हो चुकी है और मशीन ऑटोमेटिक भी बंद हो जाएगी। अब हम आगे इसकी UV जलानी है और जो है SV चलानी है। तो SV चलाने के लिए हमें इसमें ये कनेक्टर कट करने होंगे, जो ये पुरानी वाली जो इसमें PCB है, इससे ये जो है दो कनेक्टर हम कट कर लेंगे इस तरीके से, जो है आपकी SV भी चल जाएगी। अब बात करते हैं कि UV कैसे चलेगी। तो दोस्तों UV के लिए हमें इसमें UV चोक लगानी होगी, ये देख सकते हैं आप, डिसेंट की जो है 11 वाट की चोक है, और इससे हम अपनी UV जलाएंगे। अब हमें क्या करना है, डबल टेप से SMPS के ऊपर अपनी UV चोक को हम जो है फिक्स कर देंगे। देख सकते हैं आप इस तरीके से जो है ये फिक्स हो जाएगी, और जो हमारे SV की वायरिंग कट करी थी हम इसके कनेक्टर लगाएंगे इस तरीके से। इसमें जो है हम कनेक्टर लगा देंगे, इस तरीके से जो है कनेक्टर लगा के हम इसे यहाँ रख देंगे। अब हमें जो है इसकी वायरिंग करनी है, हम इसके वायर उधर की साइड ही निकाल देते हैं। ये आपके चोक के वायर हैं, और ये SV के, और ये आपकी SMPS आउटपुट है। तो हमें इसकी पहले वायरिंग कर लेनी है। जो SV का एक वायर ले लिया हमने, और चोक का UV चोक का हमने प्लस वायर ले लिया, और SMPS की सप्लाई का भी एक प्लस वायर जो है हमने ले लिया। अब बचे सिंगल वायर, उन्हें भी हम इस तरीके से जो है जॉइंट कर देंगे। लाइट भी चला देंगे। तो दोस्तों मैंने बात करी थी कि हम इसमें LED बल्ब भी लगाएंगे, तो अब बात आ गई है कि हमें LED बल्ब किस तरीके से लगानी है। तो दोस्तों इसमें LED जलाने के लिए हमने क्या किया है, एक 12 वोल्ट की LED ली है, ये हमारे पास 24 वोल्ट की नहीं थी इसलिए हमने 12 वोल्ट की ली है, और इसमें एक 1K का रेजिस्टेंस लगाया है ताकि ये LED जो है 24 वोल्ट से जल सके, और इसकी वायरिंग कर दी हमने सोल्डिंग करके, और अब इससे हम LED को जलाएंगे तो ये ईजिली जल जाएगी, और हमें हरी मशीन में पता भी चलेगा कि हमारी मशीन प्रोसेस में है। तो सबसे पहले हमने इसके वायर जो है छील रखे हैं, और आप देख सकते हैं LED, ये देखिए दोस्तों LED जो है जल चुकी है, और हमें इस तरीके से इसकी जो है वायरिंग कर देनी है, माइनस का माइनस में और प्लस का प्लस में। ये थंबनेल लगा देंगे हम,
इस तरीके से प्लस से प्रेस कर देंगे। अब हमें इसको कवर्ड करना है, टेप लगानी है। वैसे ज़रूरी तो नहीं है पर हम सेफ्टी के लिए लगा देते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। इस तरीके से हम इसकी वायरिंग को कवर्ड कर देंगे। देख सकते हैं और जहाँ एलईडी लगाने की जगह है उसे उस जगह पे हम इसे फिक्स कर देंगे इस तरीके से। दोस्तों आप देख सकते हैं सामने, फ्रंट के सामने ये देखिए लाइट जो है आपकी जलती हुई दिख रही है। इसी तरीके से हमें जो है ये करनी है, एलईडी जलानी है। अब बात करते हैं, आपकी एलईडी जल चुकी है और ये एक्स्ट्रा जो वायरिंग है इस तरीके से इसमें टाई लगा देंगे ताकि वायरिंग ज़्यादा फैली हुई ना लगे। तो दोस्तों आपकी SVB ऑपरेट हो चुकी है। SVB आपकी ऑपरेट हो चुकी है, LED ऑपरेट हो चुकी है। अब बात आती है हमें UV ऑपरेट करनी है। तो सबसे पहले ये जो दो वायर हैं इनपुट और दोनों तरफ की जो इनपुट हैं ये हम कट कर लेंगे इस तरीके से UV के। और आप देख सकते हैं चोक में भी दो ही वायर आ रहे हैं बाहर निकल के, तो हम इन्हें भी जो है कट कर लेंगे इस तरीके से। दोनों को कट करके दोस्तों चौक की जो दो वायर हैं ये देखो कंबाइन आ रही है एक साथ, इसको हम जो है इससे जॉइंट कर देंगे ताकि हमारी UV जो है जल जाए। इस तरीके से अब ऊपर वाले जो वायर है UV की कनेक्टर हम उसको वायर कनेक्शन करेंगे। इस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं जो है UV के कनेक्शन भी हो चुके हैं और ये आपका हम चोक इस तरीके से फिक्स कर देंगे। अब मैं दिखाता हूँ कि आपकी UV जला के। दोस्तों सबसे पहले जो पानी आया आपका सेडिमेंट फिल्टर में आया है, उसके बाद SVB में गया है, SVB के बाद आपका कार्बन में, कार्बन के बाद हमने इसमें कॉपर फिल्टर में पानी दे दिया है और कॉपर फिल्टर के बाद आपका UV में पानी गया है और UV से सीधे डायरेक्ट आपका टैंक में।
और इसकी जो प्रोसेसिंग है वो लास्ट बार मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि किस तरीके से इसकी जो है ऑपरेट करने पे लाइट जलेगी जैसे हम इसकी पावर सप्लाई ऑन करेंगे। इस तरीके से जैसे हमने इसकी पावर सप्लाई ऑन करी, पावर सप्लाई ऑन करी, यूवी वगैरह इसकी सब ऑपरेट हो चुकी है और डिस्प्ले पे इसकी जो है लाइट जल चुकी है। और जैसे ही मशीन भरेगी तो ये लाइट बंद हो जाएगी। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए ये लाइट बंद हो गई है। जैसे ही मशीन भरेगी अपने आप लाइट जो है बंद हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो इस तरीके से आप अपनी मशीन को पीसीबी सिस्टम हटा के जो है एसएमके सिस्टम पूरी तरीके से ओके कर सकते हैं ऑपरेट, और फिर कभी दिक्कत नहीं आएगी आपकी मशीन में, कंटिन्यू वैसे ही चलती रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।